भाई मुनव्वर के फैन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुनव्वर के लिए आवाज़ उठाओ बिग बॉस के खिलाफ, कि आपने उसको जीरो बना दिया हीरो से, आप दोबारा उसको हीरो बना दो, सिर्फ ट्रॉफी दे दो, सिर्फ ट्रॉफी नहीं चलेगा भाई। मैं भी मुनव्वर का फैन हूँ भाई, ऐसा नहीं है, मैं भी शुरू से उसको देखता हूँ। मुनव्वर का जो इज्जत इन लोगों ने गिराई है वो ट्रॉफी देने से नहीं आएगी। दोस्तों मुनव्वर फारूकी की बात करेंगे आज हम बिग बॉस 17 में, कि जिस मुनव्वर को ये लोग गिरा रहे थे, अब वो ऑडियंस के नज़रों में वो कितना ऊंचा है। बिग बॉस को मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि बिग बॉस, मुनव्वर फारूकी को आपने डिस्ट्रॉय किया। मुनव्वर फारूकी का जो इमेज था, जितना आपसे हो सकता था आपने वो किया, लड़कियों को बीच में लाना, उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया। मैं समझता हूँ ना कि बिग बॉस ये जो कर रहा है, और अब अगर बिग बॉस मुनव्वर को ट्रॉफी भी दे दे, तो दोस्तों मुनव्वर के फैन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुश नहीं होना है। खुश क्यों नहीं होना है मैं आपको बताता हूँ। मुनव्वर फारूकी का जो इज्जत है, जो नंगा किया पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बिग बॉस तो इंटरनेशनल हो चुके हैं, अब इंटरनेशनल लोग भी आ रहे हैं, तो बिग बॉस ने मुनव्वर का जो नंगा कर दिया शो में, लड़कियों को बीच में लाना, फिर लड़कियों ने मुनव्वर पे इल्ज़ाम लगाना कि टू टाइमिंग करना और चार जगह और मुंह मारना, मुनव्वर का जो कैरियर था वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। बिग बॉस ने इसमें, बिग बॉस बराबर का शरीक है, और इसमें नाजिला भी है और इसमें आयशा भी है। अगर अब मुनव्वर को ट्रॉफी भी दे रहे, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को नंगा करता हूँ फिर आपको ट्रॉफी देता हूँ, तो आप वो ट्रॉफी एक्सेप्ट करेंगे? आप बताओ मुझे, कमेंट में जरूर बताओ। मैं आप लोगों को, आपकी बाई को मैं नंगा कर दूं, लड़की अगर देख रही है, मैं लड़कियों को ये शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं किसी बाई को नंगा कर दूं, या अगर कोई और लड़की किसी को नंगा करती है फिर उसको एवॉर्ड देती है, वो एवॉर्ड लेना पसंद करेंगी, या जो वो उसका जो कैरियर है, उसका जो इमेज है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, बदनाम किया है, उसको रिकवर करें? बिग बॉस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से मुनव्वर के फैन जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हो कि विकी को टनल तक छोड़ना पड़ेगा, लाला मुनव्वर ने बोला है, भाई ने बोला है, भाई विकी टनल तक जाएगा या नहीं जाएगा? अगर विकी जाएगा भी, तो विकी क्या नंगा जाएगा? नंगा तो नहीं जाएगा ना। एक मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ, पिछले हफ्ते बिग बॉस में क्या हुआ था आप लोगों को याद है? वो विकी को मारो गोली, विकी का बात नहीं है इधर, एक कैरियर का सवाल है, बदनामी का सवाल है, और मुनव्वर के फैन लगे हैं विकी को नीचा दिखाने में, कि विकी को टनल तक पहुंचाना होगा, लाला भाई ने बोला है, भाई ने बोला, करने का तो करने का, भाई विकी जाएगा अभी तो एक हफ्ते बाद आप भूल जाओगे, क्या आपके भाई का मुनव्वर का कैरियर वापस आ जाएगा? जो उसको बदनामी किया है, उसको जिल्लत भरी जो बातें सुनाई गई थी बिग बॉस ने और इन दो लड़कियों ने, वो आप भूल जाएंगे या वो मुनव्वर भूल जाएगी? आप लोग किस चीज़ पे लगे हो, किस विकी पे, विकी के लिए आवाज़ उठा रहे हो कि विकी को टनल तक पहुंचाना होगा? भाई मुनव्वर के फैन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुनव्वर के लिए आवाज़ उठाओ बिग बॉस के खिलाफ, कि आपने उसको जीरो बना दिया हीरो से, आप दोबारा उसको हीरो बना दो, सिर्फ ट्रॉफी दे दो, सिर्फ ट्रॉफी नहीं चलेगा भाई। मैं भी मुनव्वर का फैन हूँ भाई, ऐसा नहीं है, मैं भी शुरू से उसको देखता हूँ। मुनव्वर का जो इज्जत इन लोगों ने गिराई है, वो ट्रॉफी देने से नहीं आएगी। उसको सलमान सर को मेहनत करनी होगी लोगों को बताने में कि नहीं ये अच्छा बंदा है, ये है वो है, उसको जो इमेज था जो ख़राब किया है उसको दोबारा रिकवर करो। बिग बॉस, बिग बॉस को बोलना चाहता हूँ, स्पेशली सलमान खान को, क्योंकि सलमान खान की बात लोग ज़्यादा सुनते हैं, सिर्फ ट्रॉफी दे दो ना, ट्रॉफी तो मैं क्या दे दूँ, ट्रॉफी आप मुझे नंगा कर दो फिर मुझे ट्रॉफी दे दो, मैं क्या खुश रहूंगा? क्या मेरे में अकल नहीं है? मैं क्या गोबर खाता हूँ? तो आप लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ मुनव्वर की। स्पेशली मैंने इस टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं कहीं जा रहा था, अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे वीडियो की टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं अभी मिल रहा था, मेरे मेरे पास कोई मरीज़ है, उसको ले जाना होगा, वो इमरजेंसी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने कहा एक 2 मिनट मुझे देना। घर वालों से कहा कि मुनव्वर के लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मुनव्वर के लिए, क्योंकि मैं भी उसका फैन हूँ, मुझे बुरा लगता है,
और आप लोग इस चीज़ पे लगे हो कि विक्की को ठलने तक छोड़ना पड़ेगा, विक्की को मारो गोली, विक्की कोई लड़की है, कोई लेना देना नहीं है, विक्की कोई मनोहर का गर्लफ्रेंड है, भूल जाओ विक्की को यार, तुम लोग विक्की को विक्की पे लगे हो, ये आवाज़ उठाओ कि बिग बॉस सिर्फ ट्रॉफी नहीं चलेगा, मनोहर तो जीतेगा, वो हम सबको पता है, वो पहले दिन से वो हमारे दिलों पर राज कर रहा है, उसका जो आपने इज्जत डिस्ट्रॉय किया है उसको रिकवर करना होगा बिग बॉस। बिग बॉस आपने बहुत कुछ कहा है, इस बार बिग बॉस आप बहुत कमीने निकले, ट्रॉफी तो दे रहे हो ना, लेकिन हमारी चीज़ हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि आपने आपने उसके साथ क्या क्या किया है, सिर्फ ट्रॉफी से काम नहीं चलेगा भाई। अपना इजहार कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो मैंने बातें कही आप लोगों को क्या लगता है, मैंने सच बात की है झूठ कमेंट में बता दो, और मनोहर की जनता को सबको बताना चाहता हूँ कि वोट तो बहुत आ रहे हैं, और ये विक्की का मैटर छोड़ दो, विक्की को आप लोग क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, विक्की विक्की हर जगह विक्की मत को रहा है, ऐसे विक्की बढ़ जाएगा, ऐसे विक्की नीचे नहीं आएगा, पूरे इग्नोर कर दो विक्की को यार, तुम लोग पता नहीं मनोहर पता नहीं उसके मुँह से ऐसा क्या निकल गया कि टनल तक छोड़ना टनल तक छोड़ना। भैया हर मनोहर के जितने भी फैन है पूरे इंडिया में, इंडिया में पूरी विक्की की बात चल रही है, तो इसी विक्की ऊपर जाएगा भाई, इसको विक्की को इग्नोर कर दो, खत्म, ये आवाज़ उठाओ, हैशटैग चलाओ मनोहर की, बिग बॉस को वो इज्जत लाना होगा मनोहर के लिए। तो लव यू गाइस, जो बातें मैंने कह दी आप अपनी सोच कर लें इस बातों पे कि मैंने सच कहा या झूठ। लव यू गाइस।